हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं रात के, मतलब रात नहीं बोला जा सकता इसको, सुबह ही हो रहा है। मैं दिखाती हूँ, अभी 4 बजने वाला है। अभी 3:30 बज चुका है और आधा घंटा बाकी है 4 बजने में। तो अभी मैं आपको बताती हूँ, मैं इतनी रात तक मतलब मैं सोई नहीं हूँ, रात भर सोई नहीं हूँ, क्योंकि आज है शीतला पूजा, मतलब शीतला माँ का पूजा होता है आज। और मेरी मम्मी करती है, अगले साल नहीं कर पाई थी मेरी मम्मी, क्योंकि दादी डेथ हुई थी। इसीलिए बोलते हैं कि घर में कोई चले जाने से पूजा वूजा नहीं किया जाता, इसीलिए तो अगले साल कोई भी पूजा नहीं हुआ था हमारा। तो इस बार मम्मी शीतला पूजा कर रही है, तो इसीलिए हम लोग जगे हुए हैं। जगे हुए नहीं है, मतलब सोना चाहिए था बट सोए नहीं एक्चुअली। और मम्मी को हाथ में मेहंदी लगा रहे थे, फिर जो भी नेल पेंट ये सब सब मैंने किया है, शॉर्ट व्लॉग में मैंने दिया है, तो आप लोग जाके जरूर देखिएगा शॉर्ट व्लॉग, क्योंकि मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप लोग जाके जरूर देखिएगा मेरा जो शॉर्ट व्लॉग था, तो आपको पता चल जाएगा। तो सब मैं शीतला माँ का जो भी पूजा वूजा था, तो सब चीज़ का जो भी शॉपिंग वॉपिंग था वो मैं करने गई थी। तो फिर अभी देखिए, मैं नहा के पूरा रेडी हो गई हूँ। 3 बजे मैं गई थी नहाने के लिए। अब मुझे पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है कि कुछ बोलने का नहीं है। और अभी मैंने जो पहना है वो अंजलि दीदी का है, चिकन करी सूट, क्योंकि मुझे अपना वाला सूट मिल नहीं रहा था, तो जो मिला मैंने वही पहन लिया। तो फिर अभी मम्मी गई है नहाने के लिए, जो भी मतलब घर का काम वाम है अभी मम्मी ने फट से खत्म कर दिया। मैं जस्ट नहाने गई थी कि मम्मी ने खत्म कर दिया। और यहाँ देखिए, यहाँ पे बिस्तर बिस्तर अभी बिछाना बाकी है, और अभी मम्मी घर पे पूजा करेगी, उसके बाद जाएगी उधर। तो मुझे तो जगना ही था, क्योंकि शूट तो सब चीज मैं ही करती हूँ, शूट वूट सब मुझे ही करना पड़ता है, तो इसीलिए। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ और ज्यादा जुड़िए, और मैं जो दिखाती हूँ और दिखाना चाहती हूँ, तो वो लोग भी, वो चीज़ भी आप लोग सब देखें। तो अभी शीतला पूजा है, जिन लोगों को नहीं मालूम मैं दिखा दूंगी क्या क्या होता है, मैं बता भी दूंगी मम्मी से पूछ के, क्योंकि मुझे भी उतना मतलब अच्छे से नहीं पता है कि क्या होता है इसमें। मैंने बस देखा है, मैं बचपन में जाती थी तो बहुत ज्यादा मजा आता था। बट शीतला पूजा जिस दिन होता है, उस दिन हमारे जो हम लोग के सामने ही है मंदिर, और इतना भीड़ लगा रहता है उधर, इतना भीड़ लगा रहता है, आप सोच नहीं सकते हो। अगर यही अगर हम लोग 10 बज जाते तो बहुत ज्यादा भीड़ रहता है, और लाइन लगाना पड़ता है, आपको मालूम है। और इसीलिए इस बार सबसे जल्दी हम लोग जा रहे हैं, सीरियसली मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है। मैं तीन मुझे मुझे इतना ज्यादा नींद आ रहा है कि मैं बोलने का भी मन नहीं कर रहा है, तो भी मैं बोल रही हूँ, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रहा है। और आंख तो ऐसा लग रहा है पूरा भारी हो गया है, ऐसा लग रहा है आंख में कोई पत्थर डाल दिया है कि मैं सो जाऊं। अभी पूरा आंख भारी हो गया है मेरा। और संजना दी, अंजलि दी तो सोई हुई है, वो लोग घोड़ा बेच के, तो उन लोगों का तो क्या ही है, सो गई वो लोग। बट मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, तो मम्मी के साथ मुझे ही जाना है इसीलिए। और मम्मी अभी गई है नहाने के लिए, मैं नहा के अभी अभी मैं थोड़ा सा मेकअप करूंगी ना, सब गरीब बन के नहीं जाना, मुझे थोड़ा सा अच्छी बन के जाऊंगी। तो अभी पूजा वूजा मुझे भी करना है, मैं भी पूजा करूंगी। उसके बाद आज मंगलवार है, तो मंगलवार को मैं पूजा करती हूँ ऐसे भी मंदिर जाके। तो आज का दिन बहुत कुछ मतलब अच्छा है, मतलब आज का दिन बहुत ज्यादा अच्छा है मेरे लिए। एक शीतला पूजा है, दूसरा ये हनुमान जी का पूजा, मतलब मंगलवार है आज, और एक और कुछ था मुझे याद नहीं आ रहा, जब मुझे याद आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। आज कुछ तीन चीज है, और आई थिंक कृष्णा जी का, आई थिंक जो बर्थडे से कुछ रिलेटेड लेके है, तो मुझे उतना अच्छे से नहीं मालूम, मम्मी ने ही मुझे बताया था, तो मैं आपको बता रही हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा रेडी हो जाऊंगी, उसके बाद पूजा करूंगी। तो मैं हो चुकी हूँ पूरी रेडी, और अभी देखिए मैंने आई मेकअप कंप्लीट कर लिया है, और जितना भी सब करना था मैंने कंप्लीट कर लिया है। और अभी मम्मी नहा के निकली है, साड़ी वाड़ी पहन लिया, मतलब अभी मम्मी पूजा करने के लिए गई है बर्तन वर्तन धोने। और मैं आपको दिखाती हूँ, अभी 4 बजे में हुई, 5 मिनट बाकी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ बाहर पूरा अंधेरा होगा, इधर तो भी अंधेरा ही, लाइट्स ऑन करके दिखाना पड़ेगा मुझे। देखिए मैंने लाइट ऑन कर दिया है और इधर पूरा अंधेरा है, देखिए आप।
आप लोग देख रहे हो इधर पूरा अंधेरा ही है, और अभी घर का काम चल रहा है। देखिए आप लोग, इधर गेट लगेगा, जब लगेगा सब चीज़ हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। इधर सब सीढ़ी वीडी हो चुका है, मैंने बीच में नहीं दिखाया था क्योंकि अभी मतलब काम कंप्लीट हो जाता तो मैं दिखाती, तो अभी बाहर आई हूँ तो सोचा मैंने आपको बता देती हूँ। यहाँ पे अभी घर का पूरा होगा, अभी ये सब ऊपर का मुझे उतना नहीं मालूम, इतना मालूम मैं बता रही हूँ। सब सो रहे हैं, मुझे भी नींद आ रहा है सबको देख के, बट कुछ बोला नहीं जा सकता। अभी जाऊंगी थोड़ा मंदिर में पूजा वूजा करने, उसके बाद आऊंगी, उसके बाद आराम से सो जाऊंगी। मम्मी ने मुझे बोला कि तुम इतना मेकअप क्यों कर रही हो, मतलब इतना मेकअप ही नहीं है ये, आप तो जानते हो मम्मियों के नज़र में मेकअप मेकअप ही होता है, वो कम भी नहीं हो सकता ज़्यादा भी नहीं हो सकता, इसीलिए। बट मैंने बोला कि मंदिर जा रही हूँ तो अच्छी तो लगनी चाहिए ना, ऐसे ही थोड़ी चली जाऊंगी, इसीलिए मैंने मेकअप किया है देखिए। और अभी मम्मी पूजा करेगी, मैं दिखाती हूँ। मम्मी ने सारा सामान वामान, मैंने और मम्मी ने सारा सामान वामान ला के रखा हुआ है। ये नारियल ये संदेश, और यहाँ जितने भी फूल भी फूल जो भी होते हैं, और सिंदूर विंदूर चढ़ाया जाता है तो उसी लिए। और अभी मम्मी पूजा के सारे बर्तन धोने गई है, उसके बाद मम्मी पूजा करेगी तो मैं दिखाऊंगी आपको, उसके बाद जाऊंगी तो दिखाऊंगी कि क्या क्या होगा नहीं होगा। तो तब तक आप लोग मेरा वीडियो में बने रहिए। तो मम्मी का पूजा खत्म हो चुका है घर में, और अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर, तो मुझे मम्मी ने दे दिया ये लोटा, और अभी हम लोग जा रहे हैं। चप्पल पहने तो अभी हम लोगों ने घर पे ताला लगा दिया क्योंकि अंजलि दी और संजना दी सो रही है, तो घर में चोर वोर घुस सकते हैं हम लोग के मौजूद ना होने पे घर पे। और अभी पूरा अंधेरा है गली में, कि 4 बजे ऐसे भी अंधेरा ही रहता है। इधर का लाइट चालू, और अभी रोड पूरा खाली है, और यहाँ रोड पे कुत्ते के अलावा और कुछ हमें नहीं देखने को मिलेगा इधर क्योंकि 4 बजे कोई उठता नहीं है यहाँ पे। खाने में बता तो क्या हो गया, अंधेरा है तो वो दिखा दे रहा है नहीं। तो अभी हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं, और अभी से ही मुझे नहीं लगा था कि इतना भीड़ होगा, लेकिन यहाँ देखिए बहुत ज्यादा भीड़ है। यहाँ पे हम लोग 1 घंटे से लाइन लगाए हैं, मतलब मैं बैठी हूँ और मम्मी लाइन लगाई है, और अभी तक खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे झगड़ा हो रहा है। यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या है, नाम को लेके झगड़ा हो रहा है, कि मतलब यहाँ पे ऐसे पहले कभी होता नहीं था, मतलब ना वैसे होता है ना कि कुछ चीज़ होने से पहले उसका नाम लिखवा देने से जल्दी हो जाता है कोई चीज़, यहाँ पे अभी वही हो रहा है, लेकिन किसी को मालूम नहीं था और बताया भी नहीं गया था, इसीलिए झगड़ा हो रहा है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, इधर बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है, झगड़ा कर रहे हैं सब इसीलिए। उधर मम्मी लाइन लगाई हुई है, देखिए आप लोग, उधर मम्मी, बड़ी मम्मी अभी आई नहीं है, जब अंदर ढुकेंगे सब तब मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, तब तक आप लोग भी वेट कीजिए। तो फ्रेंड्स, हमारा पूजा वूजा पूरा खत्म हो गया, और हम लोग आ गए अभी घर, और यहाँ देखिए शॉन्टू को,
उसको लगता है भूख लगा है इसीलिए माओ माओ कर लिया। आए कितने दिन बाद आई वो घर, इतना देर लाइन में खड़ा होता है तेरा दिमाग खराब हो गया। मेरा नहीं मम्मी का हुआ होगा क्योंकि मैं तो बैठी हुई थी भाई। और अभी मैं जाके, अभी थोड़ा इधर अंधेरा है, 1 मिनट मैं लाइट ऑन करती हूँ। और अभी ये बज रहे हैं 5:30 बजने वाला है, 4 मिनट बाकी है। तो गर्मी बहुत ज्यादा लग रहा है, मैं ऑन कर लेती हूँ। अभी 5:30 बजने वाला है, अभी मुझको नींद बहुत ज्यादा आ रही है तो मैं सोच रही हूँ कि नींद पूरी कर लेती हूँ अपना। और अभी शायद मम्मी पता नहीं क्या करने गई है, मैं जा रही हूँ थोड़ा देर सोऊंगी और फिर जाके मैं पूरा दिन क्या करूँगी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। और अभी लगता है मम्मी अभी घर में भी पूजा करेगी, पूजा नहीं करी है पता नहीं क्या करी है। और अभी मैं जाऊंगी सोने के लिए तो बिस्तर देखिए बिछाई रही थी, मम्मी ने बोला जल्दी करो जल्दी करो। आ सच में मुझे बिलीव नहीं हुआ कि इतनी सुबह सुबह इतने लोग उठते हैं, और उठते हैं मतलब क्या ही है, उठते पूजा के दिन तो उठेंगे ही, बट मम्मी ने जब मुझे बोला कि हाँ इतनी जल्दी जाएंगे तो मुझे तो बिलीव ही नहीं हुआ कि नहीं भाई इतनी जल्दी मतलब कोई आया ही नहीं होगा। और उधर मैं गई तो इधर इतना झगड़ा हो रहा था, मैं आपको पूरा अच्छे से बताती हूँ। उधर पे जैसे नेम रजिस्टर टाइप नहीं होता है कि नेम कर मतलब लिखवा लेने से सबका जल्दी जल्दी हो जाता है, तो वहाँ पे वही वाला सिस्टम हो रहा था। और किसी को बताया नहीं गया था कि वहाँ पे नाम लिखवाना पड़ रहा है, और हम लोगों ने भी नहीं लिखवाया था, पता नहीं रहेगा तो नाम कहाँ से लिखवाएंगे, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा था उधर पे। और इसी कारण लेट भी बहुत ज़्यादा हुआ, और मंदिर का गेट भी थोड़ा लेट से ही खुला है इस चक्कर में, तो बैठे बैठे तो मेरा पूरा दिमाग खराब हो गया। ऊपर से अभी मुझे बहुत जोर की नींद आ रही है, तो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा देर सोने, सोने के बाद मैं मिलती हूँ आपसे। तब तक आप लोग भी मैं वीडियो देखते रहिए। तो मम्मी ने अभी मुझे पानी ला के दिया है, तो मैंने पी लिया है पानी। और यहाँ पे शांतु माँ माँ कर लिया है क्योंकि उसे दूध पीना है, मतलब उसे भूख लग गई इसीलिए, और मम्मी अभी उसे दूध देने गई। मैं दिखाती हूँ आपको, ये पानी भी जा रही देखिए आप लोग। बेचारी तब से मियाँ मियाँ किए जा रही है, उसको भूख लगी थी इसीलिए। और अभी मैं जा रही हूँ सोने। तो फ्रेंड्स अभी मैं सो के उठ चुकी हूँ, अभी नहीं उठी मतलब बहुत पहले उठी थी, अभी अपना वीडियोस सब शूट कर रही थी मैं, रील वील जितना था सब शूट कर रही थी। तो और अभी अंजलि दीदी आ चुकी है, कॉलेज गई थी, तो खाना तो बने है नहीं, तो अंजलि दीदी बाहर से लाई है खाना। खाना नहीं लाई है मतलब पिटाई पराठा लाई है जो हम लोग को बहुत ज्यादा पसंद है। तो अभी मम्मी तो सोई हुई है और मैं दिखाती हूँ अंजलि दीदी को। देखिए हेलो फ्रेंड्स, अंजलि दीदी ने मेहंदी लगाया, मैं दिखाती हूँ वो काला काला हो गया है। अभी मैं खा लेती हूँ, उसके बाद मैं, आज मंगलवार है तो आज मैं मंदिर जाऊंगी, तो मैं आपको भी साथ दर्शन कराने के लिए लेके जाऊंगी। तो आप लोग मेरा वीडियो देखते रहिए। तो मैं अभी मंदिर तक पहुंच चुकी हूँ, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, यहाँ देखिए। और अभी पूजा करने के बाद मैं निकलूंगी, वो दिखाती हूँ क्या क्या मैं करूंगी और कहाँ जाऊंगी। तो पूजा मेरा कंप्लीट हो गया है और अभी मैं जा रही हूँ घर। तो अभी मुझे एक सामान भी लेना है, मतलब चना दाल लेना है मुझे, और यहाँ पे थोड़ा लेना है, तो मैं सामान लेने के बाद चली जाऊंगी घर। तो अभी आ गई हूँ मैं घर, और मम्मी ने मुझे ये चाय और केक दिया है खाने को। मुझे तो बहुत जोर की नींद आ रही है क्योंकि सुबह से मैं दौड़ रही हूँ पागल का तरह।
और मुझे मैं कुछ भी हो मतलब जब थक जाती हूँ तो मुझे सोने का ही मन करता है। और अभी मम्मी बोल रही है कि तुम लोग के लिए पास्ता बना देती हूँ, तो पास्ता खा लेना तुम लोग। तो मुझे तो कुछ भी चलेगा, नहीं तो मैं कुछ भी खा लेती हूँ। हर चीज़ मत समझिएगा, जो खाना होता है मैं वही खाती हूँ। तो अभी संजना दी सोई हुई है और अंजलि दीदी अपना कॉलेज का होमवर्क कर रही है। अभी मैं मुंह धो के आई हूँ क्योंकि थोड़ा सा नींद बहुत ज़्यादा आ रहा है मुझे, और मैं पूरा काला कौवी लग रही हूँ इधर से, इतना गंदा लग रहा है। मैं आईलाइनर थोड़ा सा ये हो गया इसीलिए, और मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप लोग तो मुझे हर तरीके में देख ही चुके हो कि मैं कैसी लगती हूँ। ऐसे भी मैंने कितना सारा वीडियोस दिया है, होली का वीडियो तो आप लोगों ने देखा ही होगा। तो मैं बंदर से कम नहीं लग रही थी, और सबने यही बोला है, सही बोलो तो। और यहाँ देखिए अंजलि दी का कॉपी पूरा भरा हुआ है, ऐसा लग रहा है मैं काजल पूरा बिखर गया है, जबकि मैंने काजल लगाया भी नहीं, आईलाइनर पूरा मेरा बिगड़ गया। और अभी मम्मी जा रही है पास्ता बनाने, तब तक मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा है, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा आराम करने की ज़रूरत है क्योंकि नहीं तो मैं सुबह नहीं उठ पाऊँगी, इतना ज़्यादा मुझे ये हो रहा है क्योंकि सुबह से मैं ही दौड़ रही हूँ। संजना दी को तो कुछ काम रहता नहीं, बाहर जाने का वो नाम नहीं लेती है, इसीलिए वो जितना काम होता है घर का ही वो ही करती है, सारा काम नहीं करती है मतलब कुछ कुछ करती है, और बाहर का जितना भी जाना आना जाना सब मुझे ही करना पड़ता है। और अभी जब खाना पीना सब हो जाएगा उसके बाद मैं जाके सो जाऊंगी। तब तक के लिए मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।